हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आपके अपने शो में रत्नेश के अनमोल रतन। मैं आपका दोस्त रत्नेश गोयल, सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट फ्रॉम अरियन कैपिटल मार्केट लिमिटेड। सबसे पहले आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमेशा की तरह इस बार फिर मैं लेके आया हूँ आने वाले वीक में मार्केट कैसा रह सकता है, बैंक निफ्टी और निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल कौन से हैं जिसपे हमको ध्यान रखना है ट्रेड करने से पहले, और कौन से स्टॉक्स है या सेक्टर है जिनको हम परफॉर्म करते हुए देख सकते हैं। तो बात करते हैं आने वाले वीक की। निफ्टी के डेली चार्ट पर नजर डालते हैं तो अब 200 SMA के ऊपर ट्रेड करना चालू कर दिया, साथ ही डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है। वहीं अगर वीकली चार्ट पर नजर डालें तो जैसा हमने आपको बताया था कि पॉजिटिव कैंडल लास्ट वीक में वीडियो में हमने आपको बताया था कि पॉजिटिव कैंडल बन रही है जो इस वीक एक्टिवेट हो गई। सो ओवरऑल दोनों चार्ट को कंबाइन करके एनालिसिस करें तो ऐसा लगता है कि मार्केट अब स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखने को मिल सकता है और अब हमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी पे काम करना चाहिए। निफ्टी के अगर लेवल देखें तो यहाँ से 17,350 का रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, उसके ऊपर निकलती है तो 17,500 और फिर 17,750 तक ले जा सकती है। वहीं अगर सपोर्ट देखें तो 17,100 का नजर आ रहा है, उसके नीचे जाती है तो 16,800 और फिर 16,650 तक ले जा सकती है। और हाँ, अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो वो जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें सो देट कि आप हमारा कोई भी नया नोटिफिकेशन मिस ना करें। ये तो बात हुई निफ्टी की, अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के डेली चार्ट पर नजर डालते तो अभी भी 200 SMA के नीचे ट्रेड कर रही है, बट अगर वहीं वीकली चार्ट पे नजर डाले तो पॉजिटिव फॉर्मेशन नजर आ रहा है। सो ओवरऑल दोनों चार्ट को कंबाइन करके एनालिसिस करें तो ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी अब कंसोलिडेशन करके थोड़ा सा परफॉर्म कर सकती है। बैंक निफ्टी के लेवल देखें तो 36,800 का नजर आ रहा है, उसके ऊपर निकलती है तो 37,200 और फिर 37,500 तक ले जा सकती है। वहीं अगर सपोर्ट देखें तो 36,100 का नजर आ रहा है, उसके नीचे जाती है तो 35,500 और फिर 35,200 तक के ले जा सकती है। इसमें भी थोड़ा सा अब हम बाय ऑन डिप्स के लिए काम कर सकते हैं। ये तो बात हुई निफ्टी और बैंक निफ्टी की, अब बात करते हैं स्टॉक्स की जो इस वीक परफॉर्म कर सकते हैं। तो उनके नाम है सन फार्मा, रिलायंस इंडस्ट्री, टीन प्लेट, SRF और अडानी एंटरप्राइजेस। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, सन फार्मा, SRF, रिलायंस इंडस्ट्री, टीन प्लेट और अडानी एंटरप्राइजेस। ये तो एनालिसिस हुआ चार्ट के अकॉर्डिंग, अब हम एनालिसिस करेंगे ऑप्शन डेटा के अकॉर्डिंग। अगर कॉल राइटर का वही देखें तो सबसे ज्यादा खड़ा है 18,000, 17,500, 17,800। ये इंडिकेट कर रहा है कि अगर बाजार 17,500 के ऊपर निकलता है तो 17,800 से लेके 18,000 तक की हमको तेजी देखने को मिल सकती है। अगर पुट राइटर का वही देखें तो 16,500, 16,800 पॉइंट ये इंडिकेट कर रहा है कि बाजार को 17,000 से 16,800 पे अच्छा सपोर्ट ले सकती है। अब बस फ्रेंड आपसे यही कहूंगा, इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें और आपके कुछ भी सजेशन हो तो हमारे साथ जरूर सजेशन बॉक्स में शेयर करें। स्टे ट्यून्ड टिल नेक्स्ट वीक, थैंक यू। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग।